Hey guys, welcome back once again to another video. मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीजा और वर्क वीजा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज का वेदर काफी विंडी है और इसी विंडी वेदर के साथ में मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स माल्टा में स्टडी करना चाहते हैं और साथ ही साथ वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और मेरा सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो दोस्तों, माल्टा ने अभी रिसेंटली ही अपना बजट पेश किया है और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है स्टूडेंट्स को। दोस्तों, पहले स्टूडेंट्स वर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, बट नाउ आफ्टर दिस बजट स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू वर्क 25 आवर्स पर वीक। तो 2022 का बजट है, तो अक्टूबर या नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यार माल्टा को मतलब इग्नोर करते हैं या माल्टा नहीं आना चाहते, अब ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है जिससे कि आप यहाँ पर आके वर्क करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस इजीली मैनेज कर सकते हैं। 25 आवर्स पर वीक जो कि अभी तक का सबसे मैक्सिमम है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज देखी मैंने उनमें। सेकेंडली दोस्तों, आपका जो स्टाइपेंड रहता है स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड, वो आपको 10% से इंक्रीज कर दिया जाएगा। इधर मेरिट बेस्ड है, नीट बेस्ड है, वो सारी स्कॉलरशिप्स के लिए आपको स्टाइपेंड जो मिलने वाला था पहले, वो अब इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो वर्कर्स शिफ्ट में वर्क करते हैं, जैसे नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, शिफ्ट वर्कर्स को 150 यूरो तक का बेनिफिट मिलने वाला है। जिनकी इनकम 20,000 यूरो से कम होगी उन्हीं को। जी हाँ दोस्तों, 20,000 यूरो से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको 150 यूरो का जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और भी दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलने वाला है। अगर आप माल्टीज रेसिडेंट है या रेसिडेंट है माल्टा के, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट जाएंगे तो यस डेफिनेटली यू नीड टू पे फॉर इट। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स परचेज करते हो तो उस पर आपको काफ़ी अच्छा 14,000 यूरोस तक का रिबेट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई अबेंडेंट प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलने वाले। तो ऐसे बहुत सारे जो है पॉलिसीज इन्होंने लॉन्च किए फॉर द नेक्स्ट 2022 बजट। तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि यार जो इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया है वो सबसे बेस्ट है, ताकि स्टूडेंट्स अब और अट्रैक्ट होकर माल्टा की तरफ जा सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है, माल्टा इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, यूरोप में काफ़ी स्कोप आपको वहां पर मिल जाएगा। तो वेट किस चीज़ का कर लीजिए, माल्टा भी एक बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, पर्सनली कह रहा हूँ। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो कि ट्यूशन फीस आपकी माल्टा में अराउंड होने वाली है 7,500 यूरोस के आसपास। तो देखिए, अप्लाई कीजिए, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं माल्टा यूनिवर्सिटी एंड देर आर मेनी कॉलेजेस जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो गो फॉर इट, एक बार रिसर्च करिए अपने एंड से, और कुछ डाउट होता है तो मेरे वीडियोस प्रीवियसली जो बने हुए हैं माल्टा स्टडी के ऊपर वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।